मांस का शरीर है, इसके अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तो कहलाती है जीवात्मा। तो मैं आपको बोल सकता हूँ यू आर जस्ट नॉट जस्ट लाइक अ स्केलेटन और फ्लैश, बिकॉज एक्टिव हैं आप। जिसको विज्ञान भी प्रूव कर चुका है कि बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं बड़े बड़े जो डॉक्टर वगैरह, बिटवीन पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड का यहाँ से एक लाइन गिराएंगे, यहाँ से आपके जनरल आइडिया के लिए यहाँ से एक लाइन गिराएंगे, तो जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहाँ पर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बीच में एक कोई कॉन्शियंट एनर्जी है, ये मैं साइंस की भाषा बोल रहा हूँ, वो एनर्जी ब्रेन के अलग अलग फैकल्टीज को कमांड करती है। ये हाथ उठ रहा है तो उसने पर्टिकुलर फैकल्टी को कमांड दिया कि ये उठाओ। ये स्टिमुलस इतना रैपिड है कि हमने को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत क्या है कि कॉन्शियंट एनर्जी अगर नहीं होती है तो सारी एक्टिविटीज बंद, आपका ब्रेन चल रहा है, आपका हार्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो नहीं है तो यू आर ऑलमोस्ट लाइक डेड। इसको आप सादे शब्दों में हम बोलते हैं जनरल लेमैन की तरह, वो कॉन्शियंट एनर्जी इज नथिंग बट सोल, आत्मा, जो हमारे महर्षि मुनि वगैरह, आत्मा ही शरीर का संचालन कर रही है। ये सुन कौन रहा है? कान नहीं सुन रहे, फिजिकल ऑर्गन इसमें कुछ है ही नहीं, आत्मा इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रही है। ये जो आंखें हैं ना, मृत्यु के बाद भी निकाल के दूसरे को लगाया जाता है, आपको मालूम है ना, ये आंखें नहीं देख रही है। यू रॉन्ग, आंख एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आत्मा देख रहे हैं। तो आँख एकदम परफेक्ट होने दो, कान एकदम कितने भी मेगा हर्ट सुनने की ताकत रखे, लेकिन सोल नहीं है तो नहीं। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, हम भी शरीर नहीं है। तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं हम लोग, हम सब एक आत्मा है जो आज पर्टिकुलर चोले में है, कल दूसरा कॉस्ट्यूम देंगे, परसों दूसरा कॉस्ट्यूम देंगे। क्यों विश्वास करोगे इस बात का? सही बात है, मत करिए। प्रोफेसर आयन स्टीवेंसन, ही वॉज एन इवेंजेलिकल क्रिश्चियन, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन मतलब पुनर्जन्म पे विश्वास करते ही नहीं। प्रोफेसर आयन स्टीवेंसन ऑफ वर्जीनिया, अच्छा, जिम टॉम हार्पर, जिम टकर, रेनॉल्ड मूडी, कितने नाम मेरे पास पूरे रखा है मैंने लिस्ट, ये सारे के सारे लोगों ने रिसर्च किया। और इनफैक्ट सोचो कि ये इंडिया से नहीं थे, जो उस धर्म से थे कि जो पुनर्जन्म को आपको मालूम है क्रिश्चियन को बिलीव ही नहीं करते, क्रिश्चियनिटी नहीं, लेकिन ही वॉज शॉक्ड। 300 केसेस, बुक का नाम लिख लो, लिखना है तो लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसे बहुत सारी किताब उन्होंने लिखी, आपको नेट पर शायद मिल जाए। उन्होंने क्या पाया 3000 केसेस में, जैसे आपको 200 साल पीछे ले गए पर्टिकुलर, उससे आपको उसने कुछ बोलेंगे, सारे साइंटिस्ट बैठे रहेंगे, सब नोट करेंगे, फिर वो पर्टिकुलर प्लेस में जाएंगे, उस नाम का आदमी भी मिलता था, उस नाम का जगह भी मिलता था, और बहुत सारी चीज़ें रिसेंबल करती थी, जिससे वो उसको खुद शॉक लगा। और फिर उसने कहा कि यार रिबर्थ का तो अपने यहाँ इंडिया में कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है, पहले से कौन है रिबर्थ ले रहा है, शरीर तो अपने अपने कुछ नहीं करना, आत्मा। तो मेन एंटिटी कौन हुई, मुख्य एंटिटी कौन है? सॉल। तो ये बात हमको, अच्छा ये तो नॉलेज हो गया, मैं जो बता रहा हूँ ये तो जस्ट नॉलेज है, उससे ज्यादा नॉलेज आपको कंप्यूटर पे एक बटन दबाओगे गूगल में मिल जाएगा। व्हाट इज द यूज, मैंने जो आपको बताया व्हाट इज द यूज, अभी बताया एक घंटे भूल जाओगे आप। सबकॉन्शियस लेवल पे सब आदमी 90% एक्ट करता है, जो कॉन्शियस लेवल पे तुरंत सुनता हो भूल जाता है। कारण क्या है, मैं ये बता रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करो, यू विल फाइंड चेंज इन योर लाइफ। नाउ व्हेन आई से इम्प्लीमेंट करो, हाउ क्वेश्चन होता है ना, हाउ, ये भाई आत्मा हूँ ये तो तुमने बता दिया, इसको इम्प्लीमेंट क्या करूँ। जब हम ये 5 मिनट बिस्तर से उठे या रात को सोते समय, दोनों टाइम 5 मिनट सबके पास है, बैठते समय मैं कौन हूँ अपने से ये प्रश्न पूछो, आपको अपने आप उत्तर आएगा कि हाँ ये तो डेड होता है, कॉस्ट्यूम चेंज होता है, मैं आत्मा हूँ, फील होगा, दिखेगा नहीं कि मैं एक
ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। मेरे गुण क्या है? आई एम ए पीसफुल सोल। अगेन व्हाट इज द प्रूफ यू आर ए पीसफुल सोल? अभी तो एक घंटे पहले गुस्सा किया था। प्रूफ ये है कि एक घंटा गुस्सा करोगे उसके बाद सबको बोले मेरे को मैंने एकलो जो है मैंने शांति जो है मतलब कमरा बंद करोगे और अब मैं आप शांति में ज़्यादा दो दिन भी बैठे रहोगे तो ये नहीं बोलोगे कि मुझे अभी झगड़ा करना है। दैट मीन्स दैट इज़ योर रियल क्वालिटी। क्रोध हमारी रियल क्वालिटी नहीं है। क्रोध किसी को नहीं अच्छा लगता है। पीस हमारी रियल क्वालिटी है। आनंद हमारा रियल क्वालिटी है। प्रेम हमारा रियल क्वालिटी है। ये सब हम जब करते हैं इस स्थिति में रहते हैं तो अच्छा लगता है हमको, हमारा दिन अच्छा जाता है क्योंकि ये आत्मा का रियल क्वालिटी है। तो हमको भी जब सुबह उठना है या शाम को सोने के पहले एक चीज़ याद रखना, मैं कौन, पहला प्रश्न मैं कौन। उत्तर देने का जरूरत नहीं, अपने आप आएगा। आई एम अ सोल। व्हाट इज माई क्वालिटी? आई एम अ पीसफुल सोल। क्योंकि आप जो भी कर्म कर रहे हो ना, जो भी कर्म कर रहे हो, कमाने जा रहे हो, वो भी करो फॉर द सेक ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। धन से पैसा आएगा, सब सुखी रहे, सुखी बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हकीकत क्या है? थिंग्स कैन नॉट मेक यू हैप्पी, यू योरसेल्फ आर हैप्पी। ये तो मर्सिडीज में बैठा हुआ आदमी रोता नहीं, उसके पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास दूसरे वैगन आ रहे, लेकिन क्यों? वो एक स्थिति है माइंड की। वो आत्मा का रियल गुण है, उसको सिर्फ उभारना है, केले को निकालना है, केले का केला खाना, छिलका निकालना, इसलिए थॉट से उभारना है। आई एम ए सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई कैन नेवर डाई। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ, जिसको गीता में कहा है ब्रह्मलोक परम, वहाँ मेरा पिता रहता है। देखो सीक्वेंस में क्वेश्चन, मैं कहाँ से आई? परम धाम से आई। वहाँ कौन? मेरा पिता। उसका क्या रूप? मेरा पिता। उसके पास क्या है? उसके पास भी आठ शक्तियाँ हैं, सुख शांति प्रेम, मेरे पास भी वो है। फिर उससे बात करो। अब जब ऐसे आप क्वेश्चन आंसर से बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी नीचे से कहाँ फ्लो हो रही है? तो ताकत ही मिलेगी ना। ये 5 मिनट करना चाहिए आपको। ये दवाई अगर आपको नहीं अच्छी लगी थी तो बहुत सारे डॉक्टर हैं दुनिया में, बाद में वो फॉलो कर सकते, लेकिन ये दवाई आप एक बार लेके तो देखो। आप जब रात को ये सोल कॉन्शियसनेस में सोओगे, आपको लगेगा मैं 4 घंटे की नींद में भी भयंकर सोया हूँ, एकदम डीप टेंशन में सोओगे, टीवी चालू करके सोओगे, सबकॉन्शियस को तो एक्टिवेट करके सोया। मोबाइल में आप बात करते हो क्या? सिम एक्टिवेट होता है ना। तो रात को आप कुछ ना कुछ थॉट्स या कुछ देख के एक्टिवेट करके सोए तो सपने में भी अलग स्वरूप में कुछ भी बाहर आएगा। तो वेर यू गेटिंग रेस्ट? यू आर नॉट गेटिंग रेस्ट। रेस्ट के टाइम पे भी सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर दिया, सुला दो, पीस में रखो, फिर सुबह उठोगे फ्रेश हो, फिर उठो। सुबह उठते ही पहला काम ब्रश करना है, दतमंजन करना है, ये करना है, ये काम वो चलता रहेगा जीवन भर। आई एम ए पीसफुल सोल, मैं जो भी करूँगी पीसफुली पूरे दिन करूँगी। ये बार बार बीच बीच में थोड़ा भी सेम एक्टिवेट किया ना ये, तो आपको देखना एक हफ्ता जाते जाते आपको अंदर की स्थिति हल्की लगेगी, आपको हल्की लगेगी, सिचुएशंस आएंगी, नो डाउट सिचुएशंस नहीं जाती एज पर और कर्मा, सिचुएशंस आएगी, लेकिन आपके अंदर उसको झेलने की ताकत ज़्यादा रहेगी पहले से। ये रीज़न है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोल कॉन्शियस रहना ज़रूरी है। आत्मा के अंदर ये तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि क्या सोचती है? अच्छा ये करूँ नहीं करूँ, बुद्धि निर्णय लेती है, नहीं नहीं ये करते हैं। जैसे आप लोग बाहर रहे होंगे, जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि नहीं, मन सोच रहा है ना ये, चलो जाते हैं, बुद्धि ने निर्णय ले लिया तो आप अंदर आ रहे हो, अब ये बातें सुन रहे हो। ये जब रिपीटेडली आप सुनोगे तो आपका संस्कार कम होगा। 90% साइंस करता है, साइंस से कहते हैं 90% हम सबकॉन्शियस के हिसाब से एक्ट करते हैं। सबकॉन्शियस इज नथिंग बट आवर संस्कार। संस्कार मीन्स हैबिट। व्हेन वी डू समथिंग रिपीटेडली इट बिकम्स अ हैबिट, उसी को बोल रहा हूँ संस्कार। और कोई भी चीज़ आपको करना है तो रिपीटेडली करो, आपको उसमें एक्सेलेंस आएगा ही आएगा। यही चीज़ है कि अच्छे मन में जो भी विचार है उसको फिल्टर करो बुद्धि से कि ये मेरे लिए नहीं है, अच्छा वाला उठा ले। आज अच्छा उठाया, कल उठाया, परसों उठाया, नरसों उठाया, अब आदत हो गई, गंदा फेंकने का आदत हो गया, ऑटोमेटिक यू विल टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव पर्सनालिटी। आपके साथ लोगों को बात करने का मन करेगा क्योंकि आप चुंबकीय आकर्षण बना रहे हो अपने आजू बाजू में। कोई रोते हुए आदमी के पास ऐसे जा भी रहे, अरे यार रो रहा है छोड़ जाने, निकल, होता है ना। इंसान का यही है, पर्सनालिटी इसी से फॉर्म होती है, थॉट्स से। और थॉट्स क्या कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, विच इज़ रियलिटी।
I am a soul, I am a peaceful soul. I come from Supreme Abode. My father is also a soul. फील करो उसके पावर्स उसके शावर्स मेरे में आ रहे हैं एंड आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हैप्पी. पाँच मिनट कोई भी दे सकता है, उसके बाद देखो ना अच्छा लगेगा आपको. ऐसा करो क्योंकि आत्मा के बगैर कुछ भी चलता नहीं है. गाड़ी पे जब तक बैठोगे नहीं आगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी. इस तरह आत्मा ही पूरी बॉडी चला रही है. उसको अगर रखोगे अपने थॉट्स में सेंटर पॉइंट पर तो आपका पूरी गाड़ी अच्छी चलेगी. ये बात ध्यान रखने की जरूरत है. ये लेके गए और भूल गए ना, इट्स ऑफ नो यूज, इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. आई एम टेलिंग यू क्लियरली, ले जाओ पाँच मिनट इंप्लीमेंट करो, जीवन में धारण करो, चेंजेस देखो होगा.